स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है। टुडे लेक्चर 8 वी विल स्टडी अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे कि टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड एट वन टर्मिनल एंड अनदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू दी अनदर टर्मिनल और टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू दी अप्लाइड पोटेंशियल। कहने का अर्थ ये है कि दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे यदि वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जैसे R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर्स हैं, इनका एक एंड टर्मिनल A पे कनेक्ट है और दूसरा एंड जो है तीनों ही रजिस्टर्स का B एंड के ऊपर कनेक्टेड है। या हम दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है तीनों रजिस्टर से सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि एंड पॉइंट दोनों तीनों के ही सेम हैं, इसलिए अप्लाइड पोटेंशियल इक्वल होगा और किसके बराबर होगा? जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को अगर पैरेलल में कंबाइन किया जाए तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे वी अज्यूम दैट लेट R1, R2 एंड R3 बी द थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल एज सो वी बी द पोटेंशियल अप्लाइड वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड लेट I1, I2 एंड I3 सिंस एट टर्मिनल ए, जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल मूव टुवर्ड द टर्मिनल ए, इट विल डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स I1, I2 एंड I3। तो हम मान लेते हैं कि लेट I1, I2 एंड I3 बी द करंट फ्लोविंग through R1, R2 and R3 respectively। मान लिया I1, I2 and I3 करंट R1, R2 और R3 से फ्लो करती है। देन यूजिंग या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR. Here we will determine I1. I1 is equal to V over R1, equation number 1. I2 is equal to V over R2, equation number 2. And I3 is equal to V over R3, equation number 3. इन तीनों equations को add करते हैं, adding equation 1, 2 and 3, we obtain I1 plus I2 plus I3 is equal to V over R1 plus V over R2 plus V over R3. But I1 plus I2 plus I3 is equal to I. V common लिया हमने और ये आ जाएगा 1 over R1 plus 1 over R2 प्लस 1 ओवर R3।
वी ऑब्टेन वी को इसके नीचे ले आए तो वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू और प्लस वन ओवर आर थ्री। इफ आर पी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of combination, मतलब क्या है, अगर हम तीनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाएं मान लें आर पी का, तो हमारे पास वन ओवर आर पी की वैल्यू होगी आई ओवर वी के इक्वल, तो इसलिए वन ओवर आर पी इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री। ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का रिजल्ट होगा। इसका क्या मतलब है, जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल दिए गए रजिस्टर्स के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। जनरली आर पी इज इक्वल टू समेशन आई गोज फ्रॉम वन टू एन और वन ओवर आर आई, मतलब क्या है कि जितने भी रजिस्टर्स हम कंबाइन करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में, रिजल्टेंट वन ओवर आर पी इज इक्वल टू समेशन वन ओवर आर आई। एक बात ध्यान रखें कि नोट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। क्या मीनिंग है कि जब हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और सीरीज में रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट आता है वो अप्लाइड रेजिस्टर्स में जो सबसे बड़ा होता है उससे भी ज़्यादा आता है, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। बट इन पैरेलल कम्बिनेशन, कम्बिनेशन के अंदर जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिजल्टेंट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।